ताकि अगली गेंद खेलने के लिए तैयार और बॉलर के लिए राइटर मेरे बूटे अच्छा दोस्तों लेफ्ट साइड में खेल दिया एक रन के लिए और टीम का स्कोर पहुंचाया 23 रन और दो ओवर समाप्त हुए। दो ओवर समाप्त हो गया। बॉलर ने दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में हैं, खाता खोल चुके हैं, एक ओवर समाप्त हो चुका है और एक रन लिया उन्होंने आसानी से और 6 बजे आसानी दी और इसको पहुंचा 24 रन। राघवेंद्र बॉलर हैं, एक ओवर शुरुआत किया इन्होंने। अगली गेंद कांके जी ने कब करना था कीपर के हाथ से बॉल छूटी बाई के रूप में रन मिला बाई के रूप में रन मिला। कल का मैच हार चुके हैं भोजपुरी दबंग की टीम। कल निरहुआ जी ने खाता नहीं खोल पाए थे और ये बायरन हम हैं आजमगढ़ के सुखदेव पहलवान स्टेडियम में जहां चल रहा है मैच भोजपुरी दबंग एकादश यानी कि सांसद एकादश और प्रबंधक एकादश और ये काफी खूबसूरत मारा है। एक रन चुरा चुके हैं और एक रन से संतोष होना होगा और इसको एक रन के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन एक विकेट के नुकसान पे सांसद 11 की टीम और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं 33 रन 11 रन का एवरेज है। गेंदबाज चले उनकी ये और 4 रन के लिए 4 रन के लिए 4 रनों के लिए 37 रन एक विकेट 37 काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। बॉलर नेम कितना बताइएगा बॉलर नेम नवाज चौथा रन लेकर आए हैं नवाज स्ट्राइक पे है विशाल और वाइड बॉल संभवतः लेकिन विशाल सिंह और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में भोजपुरी दबंग इस समय अपने पूरे रन में आ चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय और ये वाइड बॉल 4 रन और इस समय की सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था कि वो गेंद को रोक पाए पर स्कोर में 4 रन का और इजाफा हुआ। दोनों बल्लेबाज भोजपुरी दबंग के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज जोड़ी काफी फायर हो चुकी है इस समय विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही है। एक तरफ कितना रन बनाया आप एक छक्का एक चौका और दो दुखी लिए मतलब 15 रन पे आउट हो गए हैं। चलिए 15 रन बहुत होता है और काफी अच्छी साझेदारी इस समय चल रही है। इसी बीच ये गेंद इसको आउट करार दिया गया और ये पहला दूसरा झटका इस समय मौका है अभी आज खेलने का मौका मिलेगा मुझे विकेट इस समय भोजपुरी दबंग को जो कि दूसरी तरफ को छोड़कर इस समय माननीय सांसद जी ने इस समय संभाल के रखा हुआ है। के बाद नए जोश में समय मैदान पर डटी हुई है। नमस्ते दर्शक दीर्घा में इस गेंद को खेलने की कोशिश की गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और जोरदार अपील जिसे अंपायर ने आउट करार दिया और तीसरा झटका एक के बाद एक विकेट का गिरना गेंदबाजी करेंगे लोकप्रिय चांदा शानदार सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो आज एक नई भूमिका में है राइटर मोबाइल रिक्वायर्ड मनोज जी और बहुत शानदार तरीके से सम्मान दिया है। हालांकि जिस तरह से अगर मैं सांसद जी के दूसरे पक्ष की बात करूं दूसरे रूप की बात करूं
लगता है सांसद जी ने हमारी अपील को दिल से ले लिया है, दिल पर ले लिया है और बड़े शानदार खुर्सी जबरदस्त किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं गेट बाउंड्री लाइन के बाहर। जैसे ही दर्शक दीर्घा से आवाज आई कि सांसद जी गेट खोल के पांच को दिल समझ करके धो दीजिए, सांसद जी अपने अवतार में आ गए और कहा कि मैं बताता हूँ कि बल्लेबाजी कैसे होती है। एक सामने की क्षेत्र में चौका और एक सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ जबर इसी को सांसद बनाता हुआ उसको पहुंचा 91 रनों पर। एक बार फिर मनोज जी तैयार तीन चौका मार करके बखिया उधर दिया है गेंदबाजों की और ये देखे एंगल चेंज किया है लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई भी एंगल से ये लगातार चौथा चौका। वो सांसद जी दिल जीतिए अपने आजकल की जनता का, जैसे आप अपने फिल्मों में अपने प्रेमिका अपने हीरोइन का दिल जीतते हैं ठीक उसी तरह से आपने यहाँ पर बैठे एक एक खिलाड़ी का दिल जीत लिया है, एक एक जो यहाँ पर दर्शक बैठे हैं सबका दिल जीत लिया है लगातार चार चौका। मुझे आप देख कर आ जाए मुझे बताया जाए कि क्या किसी खिलाड़ी लगातार चार गेंद पर चार चौके मारे हैं क्या। एक बार फिर जब दर्शकों से आवाज आ रही है हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार इस ग्राउंड पर चार चौके मारे गए हो। हाल फिलहाल इस मैच की बात करें तो एक बार फिर हमारे जी राइट आर्म राबी विकेट और एक बार फिर खेल लिया है लेकिन फील्डर मौजूद है, फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं कहा, कोई गलती नहीं किया, अपने शरीर से रोका गेंद को। इसी के साथ 100 रन बन गए हैं, जोरदार तरीके से बनाए हैं ये रन कोई बल्लेबाजों ने, जोरदार तालियों से स्वागत हो सांसद दिनेश जी का और सौरभ जी का जिन्होंने जोरदार बल्लेबाजी की है और 100 रन और उसको पहुंचा दिया है 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर समाप्त हुआ। जैसे सांसद जी को मौका मिला एक रन लेकर के उन्होंने अपने साथी सौरभ को स्ट्राइक दिया बढ़ता हुआ रन 101 और हमारे साथी कमेंट्री को बता रहे हैं कि सारी बारी सौरभ के पार हो चुकी है, एक बार भी तैयार हो जाए सौरभ ने खेल दिया उसके जबरदस्त छक्का लगाया करता है गंगनाथन स्कोर 112 पर पहुंचा है सौरभ स्टार्ट पे है 3 गेंदों और शेष है, देखते हैं कि 3 गेंदों पे और क्या हो सकता है। पूरी तरह से हमारे साथी कमेंटेटर का कहना है कि भोजपुरी दबंग में
अपने नाम के हिसाब से दबंगई दिखाते हुए इस पूरे मैच का नक्शा ही तरफ गया और ये बेहतरीन गेंद के बाद की वापसी यहाँ पे अपने शानदार गेंद पे उन्होंने वापसी किया है और छकाया है बल्लेबाज को, इसको 117 पे रुका हुआ है और इस मैच का इस पारी का आखिरी गेंद राइट साहब ओवर दिखते खास के अंपायर के मित्रों ने पहुंचे और ये शानदार गेंद राइट हैंड ओवर द कैच क्लास के अंपायर के सामने है वही जबरदस्त बल्लेबाज जो लंबे लंबे छक्के लगा रहा है लेकिन इस बार गेंद काफी बाहर लेग स्टंप से अंपायर ने अपनी दोनों पंखुड़ियों को फैलाया और बताया कि एक रन और जुड़ेगा 77 रन 3 विकेट के नुकसान पे। नमस्कार, जो पिछले ओवर में काफी प्रभावशाली गेंदबाजी उन्होंने की थी टीम के लिए दो महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। राइट हैंड ओवर विकेट क्रॉस कर पाए थे और धीरे से खेल दिया है स्ट्रोक की दिशा में फील्डर मौजूद आसानी के साथ अब सांसद दिनेश लाल यादव जी स्ट्राइक पे हैं और गेंदबाज वही जानदार शानदार गेंदबाज जिन्होंने अपने टीम के लिए दो विकेट जुटाए थे पिछले ओवर में राइट हैंड ओवर विकेट क्रॉस के अंपायर को और एक धमाकेदार शॉट खेला होला के खिलाड़ी मौजूद है मिसफील्ड नहीं कहा जाता है कि छूटा कैच तो मैच आपको हमारे साथ इसके लिए बता रहे हैं कि कैच गैप तो मैच गैप एक आसान सा कैच छोड़ा है टीम के लिए काफी महंगा साबित होगा ये एक बार फिर नमाज का राइट हैंड ओवर द विकेट और बेहतरीन तरीके से खेल दिया है दो बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी सौरभ के द्वारा एक बार फिर नमाज का राइट हैंड ओवर द विकेट कैच के अंपायर को और अच्छी गेंद बाकी के काम विकेट कीपर ने समाप्त किया रन लेने की कोई संभावना नहीं ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद उसको है 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब तक जो भी विकेट गिरे हैं उसमें नवाज खान का योगदान बेहद सराहनीय है जिन्होंने अपने मैं के बाद बेहद अंजलि के पांच मनोज जी गेंदबाजी स्वयं हैट्रिक के चांसते हैं और चले धीरे धीरे कदमों से क्रॉस के अंपायर को और बेहद खूबसूरत गेंद लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाज ने इसको भेजा है चार रन के लिए वहां चार रनों के लिए इस खूबसूरत शॉट के साथ ही रनों की कुल संख्या पहुंच चुकी है 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक की गई है और एक बार फिर अपने बॉलिंग रनअप से धीरे धीरे चलते हुए क्रॉस के अंपायर को विकेट में पहुंचा और बेहतरीन गेंद थी लेकिन स्क्वायर लेग की तरफ खेला है फील्डर मौजूद है एक ही रनों से संतोष करना होगा। हालांकि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी काफी समय से मैदान पे हैं लेकिन हाल फिलहाल उनको स्ट्राइक पे आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही टीमों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है मैदान के बीचों बीच में। बता दें कि भोजपुरी दबंग के दोनों बल्लेबाज जबरदस्त तरीके से अपनी टीम के लिए लगातार रन बटोर रहे हैं और नए गेंदबाज आनंद पाठक जी हैं राइट आर्म ओवर द विकेट और अच्छी गेंद थी उसको हल्के से कलाइयों के सहारे स्वीप की दिशा में खेल दिया वहां पर मिसफील्ड हुई है और गेंद इसी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर खूबसूरत चौका के साथ दंदनाता हुआ स्कोर पहुंचा है 51 रन। बड़ी ही खूबसूरती के साथ गेंद को उठा दिया है लॉन्ग रन की दिशा में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर झनझनाटेदार शानदार छक्का इसी के साथ दंदनाता हुआ स्कोर पहुंचा 57 रन पर। हालांकि इस वक्त मैदान के बीचों बीच दो जानदार बेजोड़ खिलाड़ी हैं जिन्होंने कर दिया है अपनी बल्लेबाजी से प्रबल
प्रबंधक एकादश में एंगल चेंज किया है, लेकिन नतीजा नहीं। इधर से आई से उधर से आई, कोई जोरदार टिकाई बंद बनाता हुआ स्कोर पहुंचा 61 3 विकेट के नुकसान को। दर्शक आनंदित है, देखना चाहते हैं सांसद जी की बल्लेबाजी को, लेकिन जो सामने का बल्लेबाज है वो पहाड़ बनकर के बल्लेबाजी कर रहा है, कोई मौका किसी भी खिलाड़ी को नहीं दे रहा है। अगर छक्का दर्शक दीर्घा में और आवाज आ रही है वारे वारे के लिए, और वो लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। आखिरी गेंद राइटर रानी विकेट को इस पर खेल दिया है। बस आखिरी गेंद है और देखना यह है क्या कमाल कर पाते हैं। और 4 रन मारा, लेकिन भोजपुरी दबंग की टीम मैच जीत चुकी है। कैसा लग रहा है संतोष भैया? संतोष भैया कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग मैच जीत गए फाइनली कल हार के बाद। प्रबंधक एकादश के शानदार बल्लेबाजों ने स्कोर को पहुंचा दिया 52 रन। बधाई हो भैया, कुछ कहना चाहेंगे? आप सबको बधाई, साथ ही खेलेंगे और जीतेंगे। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। अरे स्थापना दिवस के दिन ही मुझे महाराज जी मुंबई में मिले थे 2019 में, और आज ही के दिन मुझे उन्होंने राजनीति में लाया था। तो आज का दिन खास है, इसीलिए हमने आज 4 बॉल पे 4 चौका मार दिया। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आई है कि देखिए सांसद जी ने अकेले जो बूस्टर दे दिया भोजपुरिया दबंग को, और उसमें ज्यादा युवा खिलाड़ी थे, और जो प्रबंधक एकादश वाले हैं वो 35 साल प्लस वाले हैं, है ना। अगर एज ग्रुप का अंतर देखा जाए तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जवानों को भर करके हमसे भरवा दिया गया, नतीजा ये रहा, फिर भी हम 52 तक तो पहुंच ही गए। खैर अब जो शानदार जानदार मैच होने वाला है वो पत्रकार एकादश और प्रबंधक एकादश के बीच में होगा। प्रबंधक एकादश भैया चलिए, मेरा भी नंबर आ गया। बहुत जबरदस्त आपका तो बिल्कुल बहुत।